important aspects of secularism is its separation from religion, from state power. This is important for a country to function democratically. Almost all countries of the world will have more than one religious group living in them. Within these religious groups, there will be mostly likely be one group that is in majority. जैसे कि हम पिछले टॉपिक में भी पढ़ चुके हैं कि सेकुलरिज्म का एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है वो ये है कि धर्म को स्टेट पावर से सेपरेट करना, अलग करना. और ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी है वो इसको फॉलो भी करती हैं. जो है डेमोक्रेटिक कहीं पे भी अगर बात की जाए तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कंट्रीज हैं वहाँ पर अब जो है ऐसा हो चुका है कि हर एक से ज़्यादा धर्म के लोग रहते हैं. कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जहाँ पर सिर्फ एक ही धर्म के लोग रहते होंगे. अब हर जगह जो है हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है और हर जगह जो है एक से ज़्यादा धर्म के लोग वहाँ पर रहते हैं. इफ इट इज मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप हैड एक्सेस स्टेट पावर देन इट इज क्वाइट ईजली यूज दिस पावर और फाइनेंशियल रिसोर्स टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एंड प्रोसिक्यूट पर्सन ऑफ अदर रिलीजन. अगर जो है ये एक से ज़्यादा धर्म जो है जहाँ पर पाए जाते हैं, अगर स्टेट पावर जो है यानी कि जो पावर है वो मेजॉरिटी ग्रुप के लोगों को मिल जाता है तो उनके लिए बहुत आसान होता है कि वो उस पावर का यूज करते हुए जो माइनॉरिटी ग्रुप के लोग हैं या अदर धर्म के जो लोग हैं उनका आसानी से जो है उनको डोमिनेट करना शुरू कर दें. जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसको अपने धर्म के लोगों को अपने फेवर में यूज करना शुरू कर दें और बाकी के लोगों को अदर धर्म के लोगों को डिस्क्रिमिनेट करना या प्रोसिक्यूट करना जो है शुरू कर दें. This tyranny of majority could result in the discrimination, coercion and at times even killing of religious minority. जो ये जो majority के हाथ में जो power आ जाता है तो जो है इसका result क्या होता है कि वो discriminate करना शुरू करते हैं, प्रताड़ित dominate करना शुरू करते हैं, जो है जब जबरदस्ती अपनी बात जो है मनवाना दूसरे लोगों से शुरू कर देते हैं और कभी कभी रिलीजियस माइनॉरिटी के लोगों को मारना भी, किलिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी भी जो है हमें देखने को मिलती है. द मेजॉरिटी कुड क्वाइट ईजली प्रिवेंट माइनॉरिटी फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन. एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन इज अ वायलेंस ऑफ राइट्स दैट डेमोक्रेटिक सोसाइटी गारंटी टू ईच एंड एवरी सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन. वो अपनी मेजॉरिटी का और पावर का फायदा उठाते हुए जो माइनॉरिटी ग्रुप के लोग हैं उन्हें आसानी से अपने धर्म का प्रचार करने से, आसानी से अपने धर्म को फॉलो करने से, उसको प्रैक्टिस करने से रोक सकते हैं. लेकिन इस तरीके का किसी भी तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है या किसी भी तरीके का वायलेंस अगर किया जाता है धर्म के नाम पर, ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अगेंस्ट है. क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब होता है हर धर्म के लोगों को, चाहे किसी भी कंट्री में रहने वाले हर एक सिटीजन को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी ग्रुप से बिलोंग करता हो, इक्वल ट्रीट करना और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना होता है. लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं कि किसी एक धर्म के लोगों को, किसी एक कम्युनिटी के लोगों को उसके धर्म को जो है फॉलो करने से रोकते हैं या धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, वायलेंस क्रिएट करते हैं, तो हम डेमोक्रेसी सोसाइटी के विरुद्ध जा रहे हैं, यानी कि डेमोक्रेसी के विरुद्ध है. Therefore, the tyranny of majority and violation of fundamental right that can be result is one reason why it is important to separate the state and religion in democratic society. एकमात्र यही कारण नहीं है कि जो है हम जो है डिफरेंट जो है religions को और state power को अलग करते हैं, separate करते हैं. पहला reason यही है कि जो है अगर power जो है majority के हाथ में आ जाता है तो वो minority groups के लोगों को अपने धर्म को जो है फॉलो करने से आसानी से रोक सकते हैं. अपने मेजॉरिटी का फायदा उठाते हुए, अपने जो है पावर का फायदा उठाते हुए वो आसानी से जो है माइनॉरिटी ग्रुप के लोगों को अपने धर्म का फॉलो करने से या अपने धर्म का प्रचार करने से या अपने धर्म को प्रैक्टिस करने से आसानी से रोक सकते हैं. अनदर रीजन दैट इज इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज, जो दूसरा रीजन है जो जिसकी वजह से किसी भी डेमोक्रेसी में स्टेट को रिलीजन, स्टेट पावर को रिलीजन से अलग रखा जाता है, वो ये है कि इट वी ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एग्जिट फ्रॉम द रिलीजन, एम्बैरस अनदर रिलीजन और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली. जो है इसमें जो है डेमोक्रेसी में जो है लोगों को इस फ्रीडम की भी जरूरत होती है, लोगों को ये फ्रीडम भी मिलती है
जाना चाहते हैं, यानी कि अपना धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं, अपने धर्म को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, वो किसी और धर्म को अपनाना चाहते हैं, तो उनको ये सुविधा या ये जो है उनको ये आज़ादी मिलनी चाहिए, ये फ्रीडम मिलना चाहिए। साथ ही साथ वो अपने धर्म का अगर प्रचार करना चाहते हैं, अपने धर्म को अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपने धर्म से रिलेटेड जो फेस्टिवल है उन्हें सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो उनको वो फ्रीडम मिलना चाहिए। साथ ही जो है मतलब ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से स्टेट पावर को रिलीजन से अलग रखा जाता है। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, जो है इस चीज़ को इस पॉइंट को और बेहतर समझने के लिए टचेबल अनटचेबिलिटी जो भारत में जो जिसे जो है बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता था, छुआछूत जिसे कहा जाता है, जो पहले बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता था, उसके एग्जाम्पल के थ्रू हमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से रिलीजन और स्टेट पावर को क्यों अलग रखा जाता है। यू माइट फील दैट यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस विद इन हिंदुइज्म एंड देयरफॉर यू वांट टू ट्राई एंड रिफॉर्म इट, हाउएवर इफ स्टेट पावर इन द हैंड ऑफ दोज हिंदू हु सपोर्ट अनटचेबिलिटी देन डू यू थिंक दैट यू हैव एन ईजी टास्क टू ट्राई एंड चेंज दिस। कह रहे कि जो है बहुत सारे लोग थे उस समय भी अनटचेबिलिटी को जो जब उसके खिलाफ थे या बुरा मानते थे, लेकिन अगर जो स्टेट पावर को अगर जो है रिलीजन से अलग नहीं रखा गया होता भारत में, और जो पावर है उस या फिर स्टेट पावर जो है अगर ऐसे लोगों के हाथ में चला जाता जो अनटचेबिलिटी को फॉलो करवाना चाहते हैं, यानी कि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि अनटचेबिलिटी को फॉलो किया जाए, तो हम किसी भी कीमत में अनटचेबिलिटी जो है इंडिया में बैन नहीं की जा सकती, या इंडिया में अनटचेबिलिटी आज भी फॉलो की जा रही होती उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन हिंदू धर्म में पॉसिबल नहीं हो पाता। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।